वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 18 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। 18 नवंबर 2021 है तो 18 नवंबर 1727 को जो महाराजा जय सिंह इन्होंने द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 18 नवंबर 1738 को एक शांति समझौता भी हुआ था। और बाघ है तो बाघ को 18 नवंबर 1972 को एक राष्ट्रीय पशु के रूप में भी चुना गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक हॉट एयर बैलून जो कार्यक्रम है उसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो आंसर है दोस्तों ये वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। वाराणसी के अंतर्गत एक हॉट जो एयर बैलून कार्यक्रम है इसका आयोजन है वो किया जा रहा है जिसमें अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले जो बैलून है उसमें एक बार में 30 लोग है वो इसमें उड़ान है वो भरेंगे। और बैलून को जो उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने जो डोमरी CHS खेल मैदान है और जो सिग्रा स्टेडियम है उसको ये बनाया गया। और बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट है वो काशी से आए जिनमें से 7 है वो विदेशी पायलट है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ है वो प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वह है आनंदीबेन पटेल है वो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है वो चुना गया है? तो आंसर है दोस्तों इसको जो पोचमपल्ली गांव को। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन है वह गांव चुना गया है। जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तो ये हैदराबाद से करीबन 50 किलोमीटर दूर है पोचमपल्ली गांव जिसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है इसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना है जिसमें केंद्रीय जो मंत्री है प्रेजेंट टाइम किशन रेड्डी इनके कार्यालय की ओर से एक अधिकारी अभी एक विज्ञापन है वो विज्ञप्ति है वो जारी हुई है जिसमें जो नलगोंडा जिला है उसमें पोचमपल्ली को अक्सर और उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत का जो रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वह किस देश में आयोजित होने वाला है? तो आंसर है दोस्तों ये कतर देश में आयोजित होने वाला है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वह अब एक साल से भी कम समय में कतर में आयोजित होने वाला है और ये जो बड़ा एक इवेंट है उसके लिए क्वालिफाई करने की जो रेस में सभी टीम है अपना पूरा जोर लगा रही है जिसमें नीदरलैंड है उन्होंने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में अपनी जगह बनाई और विश्व भर में 200 से भी अधिक जो देश हैं उन्होंने 4 साल में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी शुरुआत वो कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने भारत की जो वायु रक्षा क्षमता है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल है उस प्रणाली की डिलीवरी है वो शुरू कर दी है? तो आंसर है दोस्तों ये रूस के द्वारा। जो रूस है उसने भारत की जो वायु रक्षा क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल है प्रणाली उसकी डिलीवरी वो शुरू की है जिसमें S-400 दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जा रहा है। और ये मिसाइल है वो रॉकेट क्रूज और मिसाइल है जिसमें विमानों के खिलाफ अपने एक वायु रक्षा बुलबुले की रक्षा करने में ये काफी सक्षम है। और S-400 वो एयर डिफेंस मिसाइल है वो दुश्मन के जो युद्धक जहाज ड्रोन विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर भी मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना वो किस संस्था से संबंधित है?
आंसर है दोस्तों ये आसियान से संबंधित है। अब ये आसियान क्या है, तो आसियान है वह एशिया और प्रशांत के लिए एक संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग है। उसने सुखे के अनुकूलन के लिए आसियान क्षेत्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया है, जिसमें कार्यों को 26 उपकार्य और 2021 से जो 25 को कवर करने वाली एक योजना को में विभाजित किया है, जिसमें प्रमुख जो सिफारिश है उसमें सुखे के अनुकूलन एक तकनीकी कार्य समूह की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मधुमेह दिवस है 2021, इसकी थीम क्या है, तो आंसर है दोस्तों इसका एसेस टू डायबिटीज केयर। जो विश्व मधुमेह दिवस है वह हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 14 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। जो सर फ्रेडरिक बेंटिंग है उनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है, जिन्होंने सन 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट है उसके साथ एक इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, और जो दुनिया भर में अनुमानित जो 463 मिलियन लोग हैं वह मधुमेह रोग से पीड़ित है, जिनमें से 90% मामलों में टाइप 2 मधुमेह की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप पर वो लॉन्च किया है, तो आंसर दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय। जो संस्कृति मंत्रालय उसने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें समारोह से संबंधित जो सभी सूचनाएं हैं उन तक पहुंचाई जा सके, और आजादी का जो अमृत महोत्सव है वह भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है उसके लिए लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट है वह कोलेजियम ने किस मंजूरी को प्रदान की है, किसको, तो आंसर है सौरभ कृपाल को, सौरभ कृपाल ने इनको मंजूरी प्रदान की है। जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है इन्होंने वरिष्ठ वकील है सौरभ कृपाल इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है, जिसमें खास बात यह है कि भारत के जो पहले समलैंगिक जज हैं वो बन सकते हैं, और ये फैसला वो न्यायपालिका के इतिहास में एक मिसाल बन रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है उसके कोलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है, और यदि इनकी नियुक्ति होती है तो वह भारत के पहले समलैंगिक जज वह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार है उसने कहां अगले आदेश तक सभी जो स्कूलों को बंद रखने और दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की घोषणा की है, तो आंसर है दिल्ली और NCR के जो सभी राज्य उनको, जो क्योंकि दिल्ली है वहां पर अभी पोल्यूशन है वो एयर वाला वो इतना फैल चुका है प्रदूषण, उसको देखते हुए दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्होंने वायु प्रॉब्लम से निपटने के लिए दिल्ली और NCR के जो सभी आसपास के राज्य हैं उनसे अगले आदेश तक स्कूलों को बंद करने और दफ्तरों में 50% लोगों को घर पर काम करने के लिए एक घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित जो साहेल क्षेत्र है उसमें संकट के बारे में चेतावनी दी है, तो आंसर है दोस्तों ये अफ्रीका के बारे में ये चेतावनी है वो दी गई है। अभी चेतावनी क्या है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र उसने शांति रक्षा प्रमुख ने जो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र है उसमें संकट के बारे में हाल में चेतावनी दी है कि लाखों लोग वो विस्थापित हैं, और उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की पहुंच में कमी और लोगों को एक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी के बारे में सभी चेतावनी दी, जिसमें G5 साहेल बल है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अपना स्टेटमेंट दिया था कि G5 साहेल बल है वो साहेल क्षेत्र में आतंकवादी खतरे से लड़ने के लिए 2017 में 5 अफ्रीकी देशों में चाड, माली, बुर्किना फासो, नाइजर इसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। इसी को में जो संयुक्त राष्ट्र है वो शांति रक्षा प्रमुख ने एक महाद्वीप में स्थित जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर एक साहेल क्षेत्र में संकट की चेतावनी के बारे में वहां पर चेताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण जो संस्थान है उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।